Good morning, children. Today we will read here the 7th chapter of PBS, Save Water. And student, in previous chapter we will also read about water, and in that chapter we will learn characteristics of water, sources of water, and how can we clean our drinking water, and water for plants, and also water for animals. Now in this chapter, student, we learn different things that is related from water. So start the chapter. And student, in this chapter we will learn here how can we save water, different way to save water. Okay student, चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं. वॉटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स ऑफ लिविंग बींग्स. यस स्टूडेंट, वॉटर क्या है? हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स है जिंदा रहने के लिए, लिव रहने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. ओके, ऑल द 3/4 ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विथ वॉटर. ऑल द वॉटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. स्टूडेंट, हमारे अर्थ पे, जो हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसका 3/4 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स हो गया, और ये देखिए 1, 2, 3, ये पूरा इतना पार्ट क्या है? वॉटर है. ओके, कवर विथ वॉटर, बट 1 पार्ट्स इज ओनली फॉर लैंड. ये 1 पार्ट केवल लैंड है जिसपे हम लोग चलते फिरते हैं. ओके, एंड ये पूरा 3 पार्ट्स क्या है? वॉटर है. ओके, बट स्टूडेंट, यहाँ पे जो इतने सारा वॉटर है अर्थ पे, ये सारा वॉटर पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है. दिस मीन्स देयर इज वेरी लिटिल फ्रेश वॉटर ऑन द अर्थ दैट वी कैन यूज फॉर ड्रिंकिंग. सो स्टूडेंट, ये पूरा वॉटर ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं है, सुटेबल नहीं है, ठीक है. सो स्टूडेंट, तो कितना वॉटर हमारे पीने के लिए सेफ है? बहुत ही लिटिल अमाउंट में, ठीक है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में फ्रेश वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है जो कि ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल है. ओके, एंड ऑल द, और जितने सारे वाटर हैं, आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा वाटर हमारे अर्थ पे, बस 1 पार्ट ही क्या है? लैंड है, और 3 पार्ट्स क्या है? वाटर है. बट स्टूडेंट, ये पूरा जो 3 पार्ट्स है वो क्या है? सॉल्टी वाटर है, ठीक है, और सॉल्टी वाटर को हम ड्रिंक नहीं कर सकते. दिस ऑल्सो मीन्स दैट वाटर इज प्रीसियस एंड ईच ड्रॉप ऑफ इट शुड बी सेव्ड. सो स्टूडेंट, जो चीज हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है जिसके बिना हम एक दिन नहीं रह सकते, और हम अपने डेली लाइफ के सभी काम को करने में, सुबह से उठकर रात के सोने तक में, जो भी हम काम करते हैं स्टूडेंट, उसमें हमें वाटर की नीड होती है, वाटर की जरूरत होती है. सो वाटर क्या है स्टूडेंट? बहुत ही प्रीसियस है हमारे लिए, और इसकी एक एक बूंद को, एक एक ड्रॉप को हमें क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक. नाउ स्टूडेंट, रेन तो आप सबने देखा है, ठीक है, अभी रेनिंग सीजन भी था, अब हमारे विंटर सीजन स्टार्टिंग हो रहे हैं. वी नो दैट रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. एंड स्टूडेंट, जो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या है हमारे अर्थ पे? रेन. रेन से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है. इट कलेक्ट इन द वेरियस वाटर बॉडीज एंड अंडर द ग्राउंड एज अंडरग्राउंड वाटर. ओके स्टूडेंट, हमें क्या होता है? वाटर जो ये रेन वाटर है, इसे हम कलेक्ट करते हैं. एंड क्या करते हैं हम स्टूडेंट, जो ये रेन वाटर है, ये डिफरेंट वाटर बॉडीज में, जैसे कि आपने डिफरेंट वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, जैसे कि हो गया रिवर, लेक, सी, ओशन, इन सब में क्या होता है स्टूडेंट? रेन का जो वाटर होता है वो कलेक्ट होता है, ठीक. एंड स्टूडेंट, और कहाँ पे कलेक्ट होता है ये रेन वाटर? अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड जो हमारा है, हमारी जो अर्थ है, ये लैंड पार्ट है जो, ठीक है, उसमें क्या होता है? वाटर
ग्राउंड के अंदर चला जाता है और वो एज अ ग्राउंड वाटर सेव होता है वहां पे, ठीक है। और ग्राउंड वाटर को हम लोग कैसे अपने लाइफ में यूज करते हैं, कैसे बाहर लेकर आते हैं, थ्रू द वेल और हैंडपम्प ट्यूबवेल, ओके। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। नाउ स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाटर साइकिल क्या है, तो चलिए आइए देखते हैं। द हीट ऑफ द सन चेंजेस सम वाटर ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज इनटू वाटर वेपर। स्टूडेंट जो हीट होता है, जो क्या है हीट, किसकी, सन की, जो सन की गर्मी है स्टूडेंट, जो हीट है उसकी, उससे क्या होता है, सम वाटर ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज, जो ये इट मीन समझ लीजिए ये हमारा रिवर है, ओके। जब सन की लाइट यहाँ पे आती है तो ये क्या हो जा रहा है, ये वाटर जो रिवर का वाटर है, रिवर कह सकते हैं या फिर लेक है या पॉन्ड है, सी है, ओशन है, का वाटर क्या होता है, हॉट हो जाता है, हीट, ये सन की हीट से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, डिफरेंट वाटर बॉडीज इनटू वाटर वेपर, और वो वेपर बनने लगता है। जैसे कि आप अपने गैस पे स्टूडेंट एक यूटेंसिल्स में, एक बर्तन में अगर वाटर को रख देते हैं और गैस ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो वो वाटर कुछ समय के बाद क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है और वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। सेम उसी तरीके से जब सन की लाइट, ये जो सन का हीट है, ये वाटर रिवर में या डिफरेंट वाटर बॉडीज स्टूडेंट, रिवर, लेक, पॉन्ड, किसी में भी ये जब पड़ता है तो यहाँ का पानी क्या होता है, यहाँ का वाटर हॉट हो जाता है और वो इवोपरेट होने लगता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। वाटर क्या हो गया, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, यहाँ देखिए, फ्रॉम हीट, तो इसे हम बोलते हैं इवोपरेशन। देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन एंड दिस वाटर वेपर कलेक्ट इन द स्काई इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। एंड स्टूडेंट जब ये वाटर वाटर वेपर बन गया, अब ये कहाँ गया, देखिए वाटर वेपर कलेक्ट इन द स्काई, ये स्काई देखिए यहाँ पे ये उड़कर कहाँ चला गया, सारे यहाँ पे देखिए सारे वेपर उड़ के स्काई में गया एज द फॉर्म ऑफ क्लाउड, और इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड वो क्या हो गए, वहां पे कलेक्ट हो गए, ठीक है। वाटर से बन गया वाटर वेपर और वो वाटर वेपर क्लाउड के फॉर्म में कलेक्ट हो गया, ठीक है। These cloud causes rain that again fill the water bodies. और स्टूडेंट जो क्लाउड होता है उससे क्या होता है, ये क्लाउड स्टूडेंट यहाँ पे देखिए प्रिसिपिटेशन के थ्रू, यहाँ पे क्लाउड क्या होता है, फिर से क्लाउड से तो बारिश होती है स्टूडेंट, ठीक है। जब क्लाउड आते हैं रेनी सीजन में तब क्या होता है, बारिश होती है, रेन होता है, ठीक। फिर ये स्टूडेंट जो क्लाउड है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के थ्रू, रेन के थ्रू, फिर से कहाँ पे आ गए, फिर रेन हुई और ये कहाँ पे आ गए, ये फिर उसी रिवर में, पॉन्ड में, लेक में आके कलेक्ट हो गए। सो स्टूडेंट क्या हुआ, सबसे पहले वाटर सन के हीट से गर्म होके अब ये स्काई में उड़कर चला गया और वहां पे क्या हो गया, इवोपरेशन के प्रोसेस से हम बोलते हैं, और वहां पे वो क्लाउड के फॉर्म में कलेक्ट हो गया। और स्टूडेंट इसके बाद ये वाटर क्या हो गया, जो क्लाउड है वो भारी हो गया और कंडेंस, जो ये क्लाउड है ये कुछ समय बाद क्या हो गया, रेनी सीजन में ये वाटर के फॉर्म में नीचे फिर उसी वाटर बॉडीज में आ गया। वाटर ये क्लाउड का फिर से उसी में वाटर में आ जाना स्टूडेंट, वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो जाना, क्या कहते हैं, एज द फॉर्म ऑफ वाटर रेन, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कंडेंसेशन। देखिए यहाँ पे वेपर, वाटर से वेपर का बनना होता है इवेपोरेशन, और ठीक स्टूडेंट उसी वेपर से किस चीज का बन जाना, वाटर का बन जाना कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ठीक है।
सन से वाटर हीट होते रहता है और वो इवोपोरेट होके क्लाउड बन जाता है। क्लाउड से फिर क्या होते है, फिर बारिश हो जाती है, वो फिर पानी जमीन में नीचे आ जाता है। इसे ही हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, दिस यहाँ पे हो गया स्टूडेंट। द नेचुरल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट हम जो ये कंटिन्यूस ये साइकिल चल रही है इसे ही हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। ये बहुत इजी है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्केयरसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट एंड सर्किल द नेम ऑफ रिवर्स इन द फॉलोइंग ग्रिड। इस ग्रिड में स्टूडेंट हमें क्या करना है, कुछ नेम्स को क्या करना है, फाइंड करके और उसे सर्किल कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन कौन से स्टूडेंट कर पाते हैं। लाइक दैट GANGA गंगा, ठीक है, सतलुज, इस तरीके से आपको जैसे ही गंगा फाइंड हो गया आप इसे कर लेंगे। सो स्टूडेंट सिक्योरिटी ऑफ वाटर एंड सेविंग वाटर एंड नेक्स्ट जो भी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। और आप इस वीडियो से स्टूडेंट वाटर साइकिल देखकर अपने या फिर मैं पिक सेंड कर दूंगी, आप पिक से अपने बुक में अपनी नोटबुक में ये वाटर साइकिल को ड्रॉ करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।